नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट को और अगले 48 घंटों में यानी कि अगले दो दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों और कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं देश के कहाँ कहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों वीडियो के साथ यहाँ पर अंत तक बने रहिएगा, सभी राज्यों से जुड़े हुए मौसम समाचार की अपडेट जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले चार दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उसके आसपास यानी सटे हुए क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जारी रहेगी, यानी बारिश का कहर जो है मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना रहेगा। महाराष्ट्र के कोकण में भी भारी बारिश का खतरा अभी नहीं टला। अरब सागर से चल रही मानसून की प्रतिक्रिया के चलते मुंबई में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जो है अगले चार दिनों तक मौसम विभाग द्वारा जारी की। इसी के साथ ही दोस्तों वेदर न्यूज़ अपडेट में जानते हैं, दिल्ली में भी पहली बारिश हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मानसून की पहली बारिश से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। इसी के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश के अलर्ट और कहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों दिल्ली के कई हिस्सों में मानसून की पहली बारिश हो गई है और कई जगह पर अच्छी बारिश देखने को मिली है। इसी के साथ ही मौसम जो है सुहाना हो गया, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री यानी 34.2 डिग्री पहुँच गया। इसी के साथ ही दोस्तों मानसून राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंच गया। यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार तथा इस पर मानसून आने में देरी हो चुकी है। निजी वेबसाइट स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में जो है गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में जो है अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम ने रफ्तार पकड़ी है, यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर मानसून 29 जून को दिल्ली पहुँच जाता है, मगर इस बार 1 से 1.5 सप्ताह की देरी से मानसून जो है पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ही बारिश होने में देर हो रही है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में भी अगले 3 दिनों तक मानसून की भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग ने सभी को अपने घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मूसलाधार बारिश के दौरान ही सैलानियों को जो है होटल के कमरों में रहने की हिदायत जो है मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। अगले 3 दिनों में यहां पर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल और पंचावन जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में जो है छिटपुट बारिश होगी और उमस भरी गर्मी का दौर जो है लोगों को परेशान करेगा। इसी के साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में भी सभी जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। जम्मू कश्मीर में भी अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। उत्तराखंड में भी कई राज्यों में जो है झमाझम बारिश होगी और अगले 24 से 48 घंटों में यहां पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जैसे कि काकड़ा है, कुल्लू है, उन्नू है, बिलासपुर, हमीरपुर जैसे सभी जिलों में जो है बारिश हमें देखने को मिलेगी और इसी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी अच्छी बारिश जो आने वाले 24 घंटों में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मौसम ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से देश के सभी हिस्सों में जो है आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, यानी पूरे देश में जो है अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में जो है बारिश अच्छी बारिश होगी, जिससे सभी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और वहीं किसानों को जो है फसलों में फायदा होगा। दोस्तों वैसे आपके यहाँ अभी तक बारिश हुई या फिर नहीं हुई हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो आप हमारा कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने जिले, गाँव या शहर का नाम कमेंट कीजिए ताकि हम आपके जिले, शहर या गांव का मौसम समाचार अपडेट आप तक पहुंचा सके। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मौसम समाचार अपडेट की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए।